क्या इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुके क्षेत्रीय क्षत्रपों की वापसी हो जाएगी? क्या बंगाल में ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उन सबके साथ पटरी से उतरी बातचीत फिर से पटरी पर आ सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इंडिया गठबंधन से दूरी बना चुकी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वापसी हो सकती है? क्या जम्मू कश्मीर में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुके फारूक अब्दुल्ला को मनाने की कोशिश जारी है? क्या विपक्षी गठबंधन का बिखरता हुआ कुनबा एक बार फिर एकजुट हो जाएगा? इंडिया गठबंधन को लेकर उठ रहे ऐसे कई सवालों के जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने दिया। भले ही ममता बनर्जी गठबंधन को छोड़ चुकी हैं, लेकिन जयराम का दावा है कि बातचीत जारी है और बहुत जल्द बंगाल में भी इंडिया गठबंधन बनाम मोदी चुनाव होगा। पर्दे के पीछे बंगाल में खेला जारी है, तभी तो टीएमसी के नेता गठबंधन पर किसी तरह की टिप्पणी से बच रहे हैं। ये अलायंस के बारे में हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी और हमारा ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी अभी तक जो डेवलपमेंट है खुलकर बता दिया। अगर किसी तरह कोई नया डेवलपमेंट होगा तो उसके बाद हम लोग इन्फॉर्म करेंगे। सर, बातचीत हो रही है नहीं हो रही है इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है। ये पूरा सब्जेक्ट हमारा सुप्रीमो ममता जी। दावा यही है कि गठबंधन की फाइल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास है। दोनों जो फैसला करेंगे पार्टी उसी लाइन पर आगे बढ़ेगी। मतलब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी, वरना ममता बनर्जी तो खुल्लम खुल्ला अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं। अब सवाल है, बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच मामला क्यों बिगड़ा था और क्यों दोबारा ममता बनर्जी की इंडिया गठबंधन में वापसी संभव है? इसे समझने के लिए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया एक पोस्ट देखिए। डेरेक ओब्रायन ने कुछ दिनों पहले लिखा था, इंडिया गठबंधन के दो मुख्य विरोधी हैं, पहला बीजेपी और दूसरा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। चौधरी बीजेपी की भाषा बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में गठबंधन टूटने के तीन कारण हैं। पहला अधीर रंजन चौधरी, दूसरा अधीर रंजन चौधरी, तीसरा अधीर रंजन चौधरी। बंगाल में गठबंधन टूटने की वजह टीएमसी ने कांग्रेस के सीनियर नेता अधीर रंजन की बयानबाजी को बताया। आरोप लगाया कि जानबूझकर अधीर रंजन की तरफ से ममता बनर्जी पर अशोभनीय टिप्पणी की जा रही है। अब सुनिए टीएमसी की आंखों में अधीर रंजन आखिर किरकिरी क्यों बने हुए हैं? ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। इधर टीएमसी ने अधीर रंजन पर ठीकरा फोड़ा, उधर कांग्रेस ने अधीर रंजन की जुबान पर ताला लगवा दिया। मतलब डैमेज कंट्रोल शुरू हो गया। चंद दिनों पहले तक अधीर रंजन बार बार ममता बनर्जी पर निजी हमले कर रहे थे, लेकिन ममता ने एक दांव चला और अधीर रंजन की जुबान बंद हो गई। राहुल गांधी आज बेकार के ताई ऋषि पोते अलायंस के बारे में हमें यही ना अलायंस के बारे में
उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है। एक मोर्चे पर बात बन गई, अब दूसरे मोर्चे यानी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा जारी है, जैसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस 6 सीटें मांग रही है और ममता 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजे देखें तो टीएमसी ने 22 सीटें जीती थी और इसका 43.7% वोट शेयर था। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, उसका वोट शेयर 40.6% था, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और वोट शेयर 5.7% था। इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा। मुमकिन है कांग्रेस ने जैसे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ तालमेल बिठाया, वैसे ही ममता बनर्जी के साथ भी बैठ जाए, क्योंकि खुद राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है, दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट हिम। कांग्रेस फुल फॉर्म में है और गठबंधन को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, यहाँ तक कि राहुल गांधी गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय क्षत्रपों से खुद बात कर रहे हैं। हमारे लिए इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन का दायरा बहुत बड़ा है और आपको जल्दी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। आज सुबह ही राहुल गांधी जी और उद्धव जी की चर्चा हो गई है इस बारे में, और जल्दी महाराष्ट्र का सीट शेयरिंग पूरा हो जाएगा। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला को मनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि वो भी ममता बनर्जी की तरह अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस खेमे का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला से भी बातचीत जारी है, बहुत जल्द बात बन जाएगी। बड़ी बात तो ये है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं, एनडीए में शामिल हो चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं कि अब एनडीए में ही रहेंगे, पलटी नहीं मारेंगे, लेकिन लालू यादव ने अभी नीतीश को लेकर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे, कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई, फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तब देखेंगे। मौका दे सकते, दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में क्या, यानी इंडिया गठबंधन को दुरुस्त और एकजुट रखने के प्रयास में कोई कमी नहीं आज तक भी। और आइए इसी खबर पर चलते हैं, मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसमी, धड़ाधड़ अलायंसेस के अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, यूपी में सीट शेयरिंग हो गई है, दिल्ली भी तय माना जा रहा है, गुजरात में एक भरूच सीट को लेकर है, क्या पश्चिम बंगाल का चैप्टर खुला हुआ है? जयराम रमेश ने ऐसे संकेत दिए और उधर भी नरमी दिख रही है अब टीएमसी में। देखिए, कहीं ना कहीं आपको याद होगा अंजना, मैंने कहा था कि सपा कांग्रेस के बीच भी ये बार्गेनिंग टैक्टिक्स है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस रूठी हुई है, अलायंस बन जाएगा, बात बन जाएगी, ये रूठना भी बार्गेनिंग टैक्टिक्स होती है। और ममता बनर्जी जिस तरह से नाराज हुई उसकी भी एक वजह थी, लगातार सीताराम येचुरी से, जिस तरह राहुल गांधी लगातार दो इंडिया ब्लॉक की बैठक में लगातार उन्हीं से बात करते रहे, तो ये जताना भी जरूरी था कि हमको ये लगातार गुजरा है। पर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अलायंस जरूरी है तो अधिक क्या मजबूरी है, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी अधीर रंजन चौधरी लगाव कसने में फेल है, इसको लेके अभी भी रोड़ा अटका हुआ है। अगर अधीर पर गाज गिरती है तो कांग्रेस के साथ बात बन जाएगी।